हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों ने हमें बोला कि सर, आपको एक पार्टिकुलर बुक, जैसे इंग्लिश वॉल्यूम 1 नीतू मैम का बुक है, उसके बारे में आप हमें कोई टॉपिक पढ़ा है उसमें से। दोस्तों, ये किताब अगर कोई SSC के छात्र ने ये बोला है कि मैंने नहीं पढ़ा, एग्जाम पास कर लिया है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, SSC के एग्जाम में ना इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप SSC की बात करें, चाहे CDS, चाहे NDA, किसी भी परीक्षा की बात करें, ये किताब अल्टीमेट है। वॉल्यूम 1 के बारे में कुछ शब्द नहीं है कहने का। ऑलरेडी तो नीतू मैम बहुत अच्छी टीचर है, अच्छा पढ़ाती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज वर्क टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और जो नीतू मैम के द्वारा लिखा है किताब है उसके बारे में, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसका हम दोस्तों वीडियो नहीं, आप मतलब इसका आपको इमेज नहीं दिखा सकते हैं इस किताब का, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को खरीदिए, ठीक है, और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़िए। देखिए, क्योंकि हो सकता है इन भविष्य अगर ये वीडियो बहुत पॉपुलर हो जाए तो कॉपीराइट क्लेम लग जाए, तो इसलिए मैं इससे बचने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको अपने मन से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लाइन बाय लाइन ही होगा, लेकिन हम सारे चीज़ को लिखेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए, हम इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वर्ब, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें वर्ब आपका बेसिक है। क्या दोस्तों? जो वर्ब आपका है वो बेसिक है। इसमें बेसिक के बारे में बताया गया, जो वर्ब बेसिक है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि वर्ब कार्ज का होना दर्शाता है। हम हिंदी मीडियम को लेकर चल रहे, क्या लिखा हुआ, जो वर्ब होता है वो कार्ज का होना दर्शाता है। जो आप ये शब्द देख रहे हैं वो, अब ठीक है, इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वर्बम से हुआ है, वर्बम इसको बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसका मतलब हुआ कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना। जब हम लोग बच्चा थे, छोटा सा थे, उस समय वर्ब हमें पढ़ाया जाता था, जब टॉपिक तो ऐसा बोला जाता था, अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई काम अगर आप दिखा रहे हो, कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और ऐसा भी बोला जाता था कि बिना वर्ब एक ट्रेन का आप यूँ कह सकते हैं इंजन है, बिना इंजन का ट्रेन नहीं चल सकता। पूरे सेंटेंस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने ये बोला कि वर्ब को ना हम लोग, देखिए वर्ब नहीं बोलिएगा, इसको वर्ब बोला था, इसको हम लोग डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? डूइंग वर्ड, ठीक है। किसी काम को जब हम करते हैं उसे हम कह सकते हैं, और बेसिकली अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में ना लगा रहता तो उसको भी वर्ब बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल दें प्ले, ठीक है, सीट बोल दें, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, चिल होकर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, रन बोल दें, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में ना ना लग गया, खेलना, बैठना, उठना, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया बेसिकली वर्ब होता क्या है, ठीक है। आगे इस किताब ने ये भी बताया है कि जो वर्ब है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, ओके। वो दो भाग जो आपका पहला भाग है, इस भाग को आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम बार बार वर्ब भी बोलते हैं ताकि आपको ऐसा कुछ विचित्र ना लगे, और धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ सके, स्ट्रेंज ना लगे आपके। और दूसरा जो है वो है आपका मेन वर्ब, अकॉर्डिंग टू वर्क। जैसे हम वर्बों को क्या करते हैं, काम करते हैं, सेंटेंस में देखते हैं, उसके हिसाब से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, किताब ऐसा बोला जा बोल रहा है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को ना फर्दर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो मॉडल्स होता है, ठीक है, बहुत लोग इसको मॉडल्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको मॉडल्स भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो होता है उसको हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। पहले आप चीज़ों को समझिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, ये जो मॉडल्स होते हैं इसमें आपका ये कह रहा है कि ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ब से हेल्पिंग वर्ब जो आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करते हैं। अब इन्होंने आगे बताया कि देखिए, जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है, यानी जो मेन वर्ब है उसके अंतर्गत हम उस सेंटेंस में आए हुए वर्ड को पढ़ते हैं जो कि उस सेंटेंस में मेन काम कर लेता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बुक्स बियॉन्ड हम जाएंगे, आगे भी जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेटेस्ट है का सिंपल एग्जाम्पल, ओके। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा आपको बता दूं, अभी मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, ओके। वर्ब चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश वॉल्यूम 1, ओके। इतना मैंने एक छोटा सा एक आपके सामने सेंटेंस लिया। यहाँ पर आप गौर से आप देखिए, यहाँ पर मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया कर रहा है वो मेन काम आपको किसको दिया गया है, यहाँ पर मेन काम आपको दिया गया है टीचिंग को, ठीक है।
और यहाँ पर एम किसका काम कर रहा है, एम यहाँ पर आकर दोस्तों हेल्प कर रहा है किसको, टीचिंग को। तो यहाँ पर जो पहले वाला वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, और जो सेकेंड में यूज किया गया वो आपका मेन वर्ब है, ठीक है, इस बात को समझने का आप प्रयास कीजिएगा। ओके, कई सारा हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हम कैसे किसी भी सेंटेंस में समझ सकते हैं कि ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और जैसे सी सी कैन रन फास्ट, ठीक है। इसमें देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मुख्य काम कौन कर रहा है, ठीक है। आप देखिए एक काम करिए, अगर आपको मेन वर्ब पहचानना है तो आप क्या कीजिए, इसमें से हेल्पिंग वर्ब को ऑमिट कीजिए। देखिए जब आप हेल्पिंग वर्ब को ऑमिट करते हैं तो कैन को हम भूल जाते हैं, सी रन फास्ट इसी रन्स होगा तो इसका अर्थ निकलता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आकर ना अकेला कभी भी अर्थ नहीं दे सकता है, उसको अगर अर्थ देना है तो मेन वर्ब बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके मेन वर्ब अकेला आकर भी सेंटेंस में अर्थ दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रन किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। बेसिकली हम बचपन में क्या पढ़े थे, जो सेकेंड वर्ब के होते हैं उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, जो फर्स्ट जो असिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी की कैपेबिलिटीज को असिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको कह देते हैं भाई साहब ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ओके, याद रहेगा। देखिए आपको इसमें जो दो चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है, आपको मैंने क्लियर नहीं किया, एक तो मैंने आपको बताया मॉडल्स को लेकर, और दूसरा मैंने आपको प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था एक्सिलरी वर्ब, सॉरी माफ कीजिएगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ओके। देखिए इसमें दो तीन है, एक तो आपके बी फॉर्म के आ जाते हैं जिसको वर्ब टू बी आप बोल सकते हैं, एक आ जाते हैं आपके टू डू और एक आते हैव, ठीक है। आपको मैंने बोला था बी में आ सकते हैं इज एम आर ले सकते हैं, डू में डू डज और डिड आ जाते हैं, और हैव में हैव हैज और हैड आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज किया जा सकता है, प्राइमरी एक्चुअली वर्ब। देखिए मॉडल्स जो है, मॉडल्स है, इसको आप केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज कर सकते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है, ओके दोस्तों। लेकिन इसमें भी कुछ नोट है, जैसे नीड हो गया, डेयर और यूज टू, इसको मार्जिनल एक्चुअली वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, और इसे हम मॉडल्स, इसमें भी है कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, जैसे नीड आप कह सकते हैं, ठीक है, और डेयर, नीड और डेयर दोस्तों जैसे जैसे किताब में बताएगा मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा अपने मन से भी बताता हूँ। जो नीड और डेयर है दोस्तों ये क्या करता है, आपका मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, ठीक है, ओके। और एक शब्द और होता है जिसको आप लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, वो है यूज टू। दोस्तों जो यूज टू है ना, ये यूज टू आपका मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, ओके। आगे मैं आपको समझाता हूँ, आपको जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी, इसको लेकर मैंने बताया था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को लेकर, कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई हैव अ पेन, ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर मेन काम कौन कर रहा है वर्ब के रूप में, तो हैव, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, तो हैव यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब, ओके। एक चीज और देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैव को असिस्ट करने के लिए रिटन आ रहा है, जो कि आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, और हैव किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हमने दो एग्जांपल देखा जहाँ पर सेम आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते थे सॉरी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम इसने किया है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे बताया गया है कि भाई एक्सिलरी वर्ब होते क्या है, तो वो वर्ब्स होते हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चल के एक एक करके समझते हैं चीजों को, ठीक है, ओके। इसका जो पॉइंट नंबर एक है, आप इस बात को समझिएगा, पॉइंट नंबर एक, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में आपके कैन, कुड, मे, मैट, माइट, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, एम ए भी, इसमें आपके कौन कौन आते हैं, आपके कैन, इसका पास्ट है, कुड आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मे, इसके अलावा माइट, ठीक है, इसके अलावा सेल, इसके अलावा दोस्तों विल, आपको बहुत समझ में आएगा, इसके अलावा दोस्तों क्या, वुड, ये आपको नॉट भी करना है, इसके अलावा शुड, ओके दोस्तों, और मस्ट और आउट टू, ठीक है। ये सारे जो वर्ब्स हैं
इसका केबल और केबल हम लोग जो है मॉडल एक्जरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। केबल यानी कि इसका जो है हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको मेन वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात? जैसे एक एक करके सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ सी कैन रन फास्ट, यहाँ पर देखिए बहुत तेज दौड़ सकता है, यहाँ पर कैन मॉडल एक्चुअली वर्ब का काम कर रहा है। अगर हम इसमें से मेन वर्ब को ऑमिट कर दे, केवल लिख दे सी कैन फास्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसका कंप्लीट सेंस और मीनिंग हमें निकल के आए, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। सी कुड सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम, ओके। यहां पर भी देखिए अर्थ निकलता है, यहां पर वो मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाई, ओके। क्योंकि कुड आपके पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब द ट्री, ठीक है, मैंने जब मैं जवान था तो उस समय पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन मेरे पास अब वो एबिलिटीज नहीं रहा पेड़ पर चढ़ूँ, ठीक है, अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, चलो ओके। एक एग्जाम्पल और इसमें दिया गया है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पर देखिए शुड शुड क्या सेंस दे रहा है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है, क्योंकि आज के समय में बिना अंग्रेजी के आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला वर्ब आया है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये जो भी वर्ब्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मेन वर्ब के रूप में यूज करना है, तो हम हेल्पिंग में और बहुत सारे वर्ब है, प्राइमरी एक्चुअली वर्ब है, उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यू शुड स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर आपको अगर दिखेगा मेन काम क्या कर रहा है, अगर आपको मेन वर्ब पता करना है तो आप पहले वाला वर्ब को ऑमिट कीजिए, यू स्टडी इंग्लिश, जिसका अर्थ निकल जाए, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो ऑलरेडी मैंने पीछे बताया, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज हो रहे हो, तो मेन वर्ब को ऑमिट कर दो, ठीक है, यू शुड इंग्लिश, अगर जिसको ऑमिट करने के बाद अर्थ ना निकले, ठीक है दोस्तों, वो आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है स्टडी, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर मोटा तौर पे बोलूँ तो जो पहले वर्ब यूज होता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और सेकेंड वाला को हम लोग मेन वर्ब दोस्तों कहते हैं, ठीक है, ओके। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और दोस्तों दूसरा जो है क्या कह रहा है, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, का V1 V2 V3 ING फॉर्म या SES फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। यानी जो आप यहाँ पर देखें, कैन कुड मे माइट सेल विल वुड शुड मस्ट और आउट टू, इन सभी वर्ब्स का दोस्तों कोई भी फॉर्म नहीं होता, ना वर्ब का पहला रूप, ना ही दूसरा रूप, ना ही दोस्तों तीसरा रूप। तो इस बात को लेकर मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूँ, और इस बात को आप कभी भूलना नहीं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, चलो। और दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल इसने सेट किया है कि आप गौर से अगर देखें तो आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये भी इसमें रूल नंबर टू में बता रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन सॉल्व दिस पजल, सी दिस एग्जाम्पल हेयर यू कैन फाइंड दैट कैन डजेंट मैटर वाट काइंड ऑफ पर्सन इट इज, बट इट इज ऑनली यूज इन बेस फॉर्म। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आराम से, या दिस पजल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि आपके मॉडल्स जो होते हैं उसमें SES नहीं लगाया जाता है, ना इसके V1 V2 V3 किए जाते हैं, ठीक है, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए रूल नंबर तीन में क्या बताया गया है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। कहा गया है आउट तथा यूज टू के बाद इन्फिनिटी टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए कहता है कि देखिए अगर आप आउट किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, देखिए आउट टू होता है, उसका मतलब दोस्तों होता है, वो अकेला आता ही नहीं पहले, सबसे पहले, अब उसका मतलब होता है किसी आज्ञा को पालन करना। शुड और आउट टू दोनों लगभग अर्थ समान होते हैं, ठीक है। आगे चल के जब हम मॉडल्स को अध्ययन करेंगे उसमें आपको बताएंगे। कह रहे जो आउट तथा आप यूज टू जो देख रहे हैं, आप किताब रखिएगा तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद जो अहम वर्ब यूज करते हैं या जो शब्द यूज करते हैं दोस्तों, वो इन्फिनिटिव, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटिव टू प्लस V1 को ही बोला जाता है। इसका दोस्तों
हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टू प्लस बी वन का इस्तेमाल करते हैं। दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी का। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने माता पिता को आदर करें, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, देखिए, टू रिस्पेक्ट, हेयर यू कैन से टू, आपका प्लस भी वन आ रहा है, तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर आउट टू और यूज टू आप कहीं पर भी यूज किए हैं तो याद रखिएगा, उसके बाद आप इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि अगर टू के साथ अगर आप वर्ब ले रहे हैं और उसका पहला रूप यूज कर रहे हैं तो वही कहलाता है दोस्तों इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए आगे हम बात को समझते हैं। अब आगे दोस्तों, इसमें जो बताया गया है, अब मॉडल एक्चुअली वर्ब्स के यूज को लेकर बताया गया है। मॉडल एक्चुअली वर्ब्स जो होते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले इन्होंने इसमें बताया है ए नंबर में, वो है कैन। ठीक है, देखिए कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, कैन का मतलब होता है किसी काम को करने में आप कैपेबल हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग हम लोग अक्सर किस में करते हैं, तो हम अपने शक्ति को दिखाने के लिए। शक्ति का माने क्या, पावर। ठीक है, कि हमारे अंदर में कितना शक्ति है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेकर मैं बता सकता हूँ। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, देखिए उसके पास क्या है, पावर है कि उस बक्से को वो उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हमने शक्ति को दिखाने के लिए किया। ठीक है, और दोस्तों दूसरा इसमें बताया गया है कि एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों योग्यता। ठीक है, आप किसी काम को करने में कितने योग्य हैं। ठीक है, और दोस्तों कैपेसिटी, कैपेसिटी को भी अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, इस बात को समझेगा, बियॉन्ड नीतू सिंह वॉल्यूम वन, ये मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। दिस वन इज कैप। ठीक है दोस्तों, C4 आप यूँ कह सकते हैं, कैप का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी, जिसको कैपेसिटी बोलते हैं। A4 एबिलिटी और P4 पावर। इन सबों को दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग कैन का प्रयोग जो है बहुत सारी स्थितियों में कर सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे करके बता रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए आगे कहा गया है कि जो कैन है इसको हम परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए भी। एक मिनट, पहले इससे पहले मैं आपको जो इसमें बताया गया है कि कैन का यूज आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग अपना कैपेसिटी, पावर या एबिलिटी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हमारा क्या है दोस्तों, योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और दोस्तों कैन का यूज जो है ना बहुत स्थितियों में किया जाता है। मैं वॉल्यूम वन के ही हिसाब से चलूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो इसमें अब जो आगे बात किया गया है दोस्तों वह है कुड। कुड के बारे में बात किया गया दोस्तों, देखिए कुड का मतलब पहले हिंदी समझिए, इसका मतलब होता है सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सकता था। ये जो है कुड, ये पास्ट एबिलिटी दिखाता है, और कैन का दोस्तों ये क्या है, पास्ट है। ठीक है, और ये कुड हम लोगों का क्या, पास्ट एबिलिटी को शो करता है। वन बाय वन करके हम समझेंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया गया है कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये अपने पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि भाई मेरे अंदर में क्षमता नहीं था, मैं मजबूर था कि मैं कल आ नहीं सका सकता था। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ओके, या मैं कल आ नहीं सका, मैं मजबूर था किसी कारण को लेकर। ठीक है, देखिए कुड का ही प्रयोग ना हम लोग पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जो कैन का प्रयोग होता है अनुमति देने के भाव को भी व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने भी सेट कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर करके दिया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन गो नाउ। देखिए अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, यू कैन गो नाउ, यहाँ पर आपका अनुमति देने का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगला जो है आपका कैन का यूज हम लोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, यानी सैद्धांतिक संभावना, या भाई सिद्धांत है। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो गलतियाँ करते हैं। ठीक है, गलतियाँ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भगवान उतरा है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद कहे थे
कि आपको रेजर की जरूरत होगा जो आप गलतियां करेंगे उसको मिटाने के लिए, ठीक है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। हाँ दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर एक इंसान मिस्टेक करता है। कोई भी इस प्लेनेट पे जो है पूरा कंप्लीट होकर पैदा नहीं लिया, यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आगे जो है दोस्तों रूल नंबर 4 में कुड के बारे में बताया है, और कुड के बारे में इन्होंने बताया कि रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखाता है कुड, ठीक है। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, मतलब ये संभावना है कि भाई आपके सीट के अंदर में ना बॉम्ब हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन दोस्तों इसमें कई सारे बातें हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी आपकी यूज करने के लिए सेंटेंस भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं अपनी तरफ से अब आपको बता रहा हूँ, देखिए कुड का यूज ना हम लोग दोस्तों फॉर्मल जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट होता है उसके लिए हम लोग करते हैं। जैसे आप ऑफिस में हैं और आपको बोलना है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऐसा, कुड यू प्लीज पास दी दैट अप्लीकेशन फॉर्म, आई नीड दैट, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप उस अप्लीकेशन फॉर्म को क्या आप पास कर सकते हैं वहाँ पर। ये आपका विनम्रता को दिखाता है, आपके रिक्वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। और कुड का यूज़ दोस्तों हम लोग सत्ता के सेंस में लगा सकते हैं, जैसे कि आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, ठीक है। मैंने हमारे पास्ट में जो हम काम कर सकते थे उसके बारे में हम बताते हैं, जैसे आई कुड वन द मैच, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यस्टरडे में, कल बीते हुए कल में मैं मैच जीत सकता था लेकिन नहीं जीत पाया, ठीक है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, वो है कुड, कुड और प्लस दोस्तों हैव, कुड के बाद, एक मिनट दोस्तों, कुड के बाद दोस्तों प्लस हैव और वर्ब का तीसरा रूप, ये भी स्ट्रक्चर याद आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भोलीमन को समझते हुए, ठीक है। ओके, देखिए यहां पर कह रहा है कि एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमता को दिखाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा पूरे इतने देर में हम लोग जो लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 पूरा आपको कवर धीरे धीरे करा दूंगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ इस किताब का कवर करने का, ठीक है। और मैं इस किताब को एज अ कॉपी करके नहीं डाल सकता क्योंकि हो सकते हैं इनके जो कंटेंट राइटर हैं नीतू मैम वो हम पे ब्लेम कर दें इन फ्यूचर, ठीक है, कि आप मेरे कंटेंट को किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आप किताब खरीद लें इनका और अच्छे से समझे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं। देखिए अब इस बात को समझते हैं, और इन डिटेल में सारे ग्रामर के टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। और इससे कई गुना, हज़ार गुना बेटर वे में, इस रिसोर्स से हज़ार गुना बेटर वे में मैं आपको रिसोर्स लेकर दूंगा और उससे मैं आपको बताऊंगा फ्री में, ठीक है। कह रहा है देखिए, एबल टू जो होता है, एबल टू और कैन कुड, एबल टू को कैन या कुड के साथ प्रयोग ना करें। अच्छा, क्योंकि दोनों क्षमता को ही दर्शाता है, इस वजह से आपका ये यहाँ पर सुपर प्लस एक्सप्रेशन हो जाएगा एक ही चीज को लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमोरो। दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज को बार बार यूज किया गया, कैन नॉट और बी एबल टू में दोनों एक ही अर्थ निकालता, और इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि बाई जरस से ज़्यादा ठूसा देना, नहीं कई बार आप पार्टी में जाते जरस से ज़्यादा जब आप खा लेते हैं तो आपको उल्टी करना पड़ेगा और आपके सामने के इंसान भी आपको देख कर घबराएंगे कि एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है। हम आपको एक इसका लिंक हम डाल दिए, ठीक है। वर्ड एक्सप्रेशन एंड स्लैंग में हम इसका यूज करते हैं, और SSC का ये फेवरेट है, CDS का फेवरेट है, NDA का फेवरेट है, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 5 भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा करके हम अपने आप को सुपर प्लस बना देते हैं। सुपर प्लस का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, जरूरत से ज़्यादा, ठीक है। इसका सही इंफॉर्मेशन दो तरह से बताया गया, कहा गया है कि आप ऐसा यूज कर लें, आई कैन नॉट कम टुमोरो, ये सेंटेंस सही हो सकता है, या आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमोरो, ये दोनों सेंटेंस सही हो सकता है। आई होप दोस्तों कैन और कुड इसका इस्तेमाल आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए और इसमें समझ पाए कि हम इंग्लिश ग्रामर को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कई सारे स्ट्रक्चर इसमें, जैसे कुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, कुड हैव प्लस बिन, हम ट्रांसलेशन भी आपको करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओ सॉरी, टुमोरो का स्पेलिंग यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो आई होप इस ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए कुड का यूज और इन्होंने नहीं बताया है लेकिन मैं आपको अपने तरफ से बताता हूँ, ठीक है।
देखिए जैसे कई बार आपको कॉमन एरर में ऐसे पूछ देगा। अच्छा ये कॉमन एरर में कैसे पूछेंगे ये लोग, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन कॉमन एरर। ठीक है देखिए, जब कॉमन एरर आपको नजर आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ही टोल्ड ही, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए नरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही सेड टू मी, ओके आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है इस चीज को देखिए, इसको हम बदलेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही कैन को बदलना पड़ेगा कुड में, ही कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ये स्लाइस करके ऐसे दे देगा, ए इस तरह से स्लाइस में बी, और यहाँ पर आपको कुड को अमिट करके, यहाँ पर ये कुड को अमिट करके क्या करेगा, कैन का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। ओके ये बी पार्ट, और यहाँ पर ये आपका सी पार्ट, और डी पार्ट में नो एरर। ठीक है देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके एरर किस में हैं, तो बी पार्ट में, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा यहाँ पर क्या था, पास्ट में था, तो रिपोर्टर स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, और इससे अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप इसे गलत करके आ जाएंगे। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ही कुड क्या हो जाएगा, कुड, कैन के बदले क्या होगा, कुड। तो हम लोग अपने जो है एक नरेशन में भी कैन के बजाय क्या करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं, और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। देखिए वैसे हम इसका क्वेश्चन तो करेंगे ना, लेकिन लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है देखिए, हमने आपको समझाया कि कैन और कुड का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। देखिए कैन का पास्ट कुड है, कुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट एबिलिटी को दिखाने में कर सकते हैं, नरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल को रिक्वेस्ट है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने बताया है कि मे माइट और मस्ट को लेकर, ठीक है क्या इन्होंने बताया, अगला मे माइट और दोस्तों मस्ट को लेकर। ठीक है देखिए, यहाँ पर मे माइट और मस्ट का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट वन है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इससे बेटर कंटेंट आपको दे सकूँ। ठीक है ओके, जो अभी नीतू सिंह वॉल्यूम वन में था, नीतू मैम की किताब में, मैंने उस उतना कम से कम उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने किया है, और मैं आशा रखता हूँ कि मैं इस तरह के सारे कंटेंट आपको धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगा। और आप अगर इच्छा रखते हैं तो आप चाहे तो इस किताब को खरीद कर घर बैठे मेरे वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेक्निक को सीखकर आप कम समय में अधिक तैयारी करके एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू में भी बोला था कि जो एसएससी के छात्र कहते हैं मैं ये किताब को नहीं पढ़ा, तो वह या तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो एसएससी क्वालिफाई किया ही नहीं। क्योंकि जो भी टॉपर इस किताब को रिकमेंड करने की ओर जाते हैं, ये किताब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सोच के साथ दोस्तों।